गायों को पकड़ने वाली गली गली घूम रहा है गाजियाबाद प्रशासन। योगी के आदेश का है आज आखिरी दिन। बीजेपी के हारे विधायक लड़ना चाहते हैं लोकसभा चुनाव, लेकिन सैनी ने कह दी ये बड़ी बात, इस कक्षाओं के दिव्यांग छात्रों को नहीं देनी होगी परीक्षा फीस। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। नई दिल्ली गाजियाबाद, जिला गाजियाबाद में आज गाय पकड़ने का अभियान जोर शोरों से चल रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेश का आज आखिरी दिन है। ऐसे में जिला प्रशासन आज शाम तक सभी गायों और आवारा पशुओं को पकड़कर गौशाला में भेजने का प्रयास कर रहा है। एक आकलन के मुताबिक 5000 आवारा पशु अभी भी रोड पर है। नगर निगम और स्थानीय संस्थाओं के लोग गाय पकड़ने के लिए जगह जगह पर तैनात किए गए हैं। शहर से लेकर गांव तक, रोड से लेकर खेतों तक गाय पकड़ने का अभियान जारी है। इस काम के लिए 10 जनवरी तक का वक्त दिया था। जयपुर इस बार संपन्न हुए विधानसभा चुनाव में भाजपा को हार का मुंह देखना पड़ा, लेकिन आने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर भाजपा के कई नेता अभी से टिकट मांगने की मंशा जाहिर कर रहे हैं। वहीं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन लाल सैनी ने भी साफ कर दिया है कि लोकसभा के लिए टिकट पार्टी का संसदीय बोर्ड तय करेगी। साथ ही यह भी स्पष्ट किया कि प्रजातंत्र में जीते हुए सांसद को ही दोबारा टिकट मिले यह जरूरी नहीं है। कांगड़ा एचपी बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन द्वारा 8वीं से 12वीं तक के दिव्यांग विद्यार्थियों से एग्जामिनेशन फीस नहीं ली जाएगी। एजुकेशन बोर्ड द्वारा इस संदर्भ में नोटिफिकेशन जारी कर दी गई है। अगले शैक्षणिक सत्र से यह व्यवस्था लागू हो जाएगी। तो खबरों में आज के लिए इतना ही। एमएनएस न्यूज की खबर देखने के लिए आज प्ले स्टोर से एमएनएस हिंदी ऐप डाउनलोड करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद।